Hey guys, this is me, Saliha Ahmed. Thanks for coming here. तो शादी वादी निमट चुकी है guys. हल्दी का व्लॉग आ गया, मेहंदी का व्लॉग आ गया एंड शादी यानी कि वेडिंग का भी व्लॉग आ गया और रिसेप्शन का. गाइज मैं बताती हूँ रिसेप्शन के दिन की स्टोरी के मेरे साथ क्या हुआ. मैंने ना मतलब मैं अच्छे से रेडी शेडी होके मैंने इतना प्यारा इंट्रो लिया, इतना एनर्जेटिक वे में, इतना मतलब इतना शानदार इंट्रो लिया मैंने एंड मैंने एक दो शॉट भी लिए, लेकिन वहाँ जाके मैं व्लॉग बनाना भूल गई एंड वहाँ पे ना मतलब इतना ज़्यादा शोर भी हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए मैंने कोई बात नहीं व्लॉग नहीं बनाया. लेकिन जो तीन व्लॉग है ना वो आप लोगों ने फुली इन्जॉय किए होंगे आई नो, क्योंकि मुझे भी बड़े प्यारे लगे एंड इन्जॉय. नहीं अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देखो, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे. एंड हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि वो जिस लड़की की शादी थी दुल्हन की वो मेरी क्या लगती है, क्या 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 वो है मेरी कज़िन यानी कि मेरे चाचा की लड़की है मेरी बहन. वो लड़की जो दुल्हन थी सो उसकी शादी हो चुकी है एंड आज हम लोग आ गए हैं वापस से बैक टू वर्क. एंड मैंने मेरी वीडियोस तो कल भी शूट कर ली थी और कल भी पता है मेरे साथ क्या हुआ था, कल भी मेरे साथ सेम हुआ था. मैंने कल भी अच्छे तरीके से इंट्रो ले लिया था, मेरा हाथ दर्द हो रहा है. मैंने कल भी अच्छे तरीके से इंट्रो ले लिया था लेकिन फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया. लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये इंट्रो आपको मेरे व्लॉग के साथ देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा. भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का. ये बड़ा मिस किया मैंने इसको. सो आज का दिन एक रैंडम कैजुअल डे है, बैक टू वर्क हो चुके हैं, भाई के साथ वीडियो शूट करनी है तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी बना ले. एंड हाँ, अब आप लोगों को मैं एक्टिव दिखूंगी, मतलब मैं यूट्यूब पे एक्टिव होने का ट्राई करूंगी, इंस्टा पे भी एंड स्नैपचैट पे भी एक्टिव होने का ट्राई करूंगी एंड यूट्यूब पे मतलब ना कैसे एक्टिव रहूंगी मैं आप लोगों को बताती हूँ. एक दिन मतलब एक दिन मेरा व्लॉग आएगा, फिर उसके अगले दिन भाई का व्लॉग आएगा. सो आप लोग जल्दी जाओ भाई के व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करो. सो एक दिन मैं आपको भाई के व्लॉग में दिखूंगी, एक दिन मेरे व्लॉग में, एक दिन भाई उनके व्लॉग में दिखेंगे और एक दिन मेरे व्लॉग में. तो लेट्स सी, देखते हैं आज क्या होने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं है. सो लेट्स गो. इधर भाई रेडी हो चुके हैं. भाई देख तो लो, इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है बंदे में. भाई रेडी हो चुके हैं, मैं तो रेडी होकर बैठी थी, यू नो भाई लेट लतीफ है और मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ. सो मैं रेडी होकर बैठी हुई कब से. चलो करना क्या है, रुको कैमरा बलर आ रहा है, है? कैमरा बलर हो रहा है. करना क्या है रेडियो के, आपकी वीडियोस बनानी है. हाँ गाइस, तो हम वीडियो बनाएंगे अब, रील शूट करेंगे और हमारी रील को देखने के लिए कहाँ जाओगे पता है, इंस्टाग्राम पे. भाई के इंस्टाग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. नहीं मिलेगी. नहीं मैं नहीं डालूंगी. क्यों, प्रमोशन तुम भी करती हो, हम नहीं करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे. पैसा दर्शन पैसा 2 रुपया ले लो, 2 रुपया 150 रुपया देगा. 160 नहीं है, चुरा लो चुरा लो, लेकिन चुराने के बाद हाथ में फरवरी बना देंगे तुम्हारी. आज मैंने भाई को काम पे लगा दिया है, आज भाई इधर काम शाम करने लग गए. काम पे नहीं लगाया अभी, तुझे लगना पड़ेगा इधर. अभी मैं लगूंगी डेली, वैसे मैं निकालती हूँ आपकी वीडियो में भी और मेरी वीडियो में. वापस मुझे समेटना पड़ता है सारा ही, खुद तो बस वीडियो बना के निकल जाती है. झूठ सब हमारा मैनेजर करता है. सेटअप शेटअप लग चुका है और अब मैं भाई के साथ वीडियो शूट करने वाली हूँ और ये बंदा खुद के व्लॉग के शॉट देख रहा है. तो देखो हमने शूट कर लिया, अब सालिया करेगी शूट. अब मैं करूंगी. और गाइस हम बना रहे हैं इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं, तो बता दिया मेरी आईडी की तेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी. तो आप जाओ और मुझे इतना फॉलो करो, साले के 1 मिलियन है ना तो मेरे 2 मिलियन कर दो. नहीं, प्यार करो. बाकी हमने सेटअप वेटअप सब रेडी कर दिया और सेटअप कैसे रेडी करते हैं मैं बताता हूँ व्लॉग के बाद पर. चलो देखते अब्बू क्या कर रहे हैं इधर. अब्बू ये रोलर में लगा के फोन चलाना इतना जरूरी है कि अब्बू रोलर में लगा के मैच देख रहे हैं. और अब्बू सब बढ़िया बढ़िया. कितनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है गाइस. देखो मौसम शीशम देखो इधर का, गर्मी वाला गाइस मतलब ना धूप अभी तो चली गई लेकिन तप रहा है बहुत ज़्यादा. वैसे धूप भी है लेकिन गर्मी भी लग रही है. देखो
ये मौसम आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई शादी की मिठाइयाँ अभी भी बची हुई है। तो गाइस मैं वीडियो शीडियो बना के फ्री हो चुकी थी, एंड जैसा कि आप लोग को बताया कि मैं मार्ट से ये वाली कप नूडल्स लाई थी, एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी मैं फ्री रहूंगी एंड जब भी मैं इसको बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आज मैं इसको बनाने लगी हूँ, एंड इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसको कैसे बनाते हैं। वैसे इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें सिर्फ गर्म पानी डालो फिर इसको थोड़ी देर रखो, इसमें बन जाती है। एंड मैंने इस चीज़ को मतलब इसको बनाने का एक हैक देखा है, वो मैंने यूट्यूब पे देखा है, एंड मेरे पास वो भी है, मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी एंड इसको बनाते हुए भी दिखाऊंगी। लेकिन आज तक मैंने हैक देख के जो भी चीज़ ट्राई की है ना, वो चीज़ मेरी कभी भी पास नहीं हुई है, हमेशा वो चीज़ ना मेरी फेल ही हुई है। सो आज लाइव मैं आप लोगों के साथ इसको इस हैक को ट्राई करूंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं ये काम करता है या नहीं, वरना हमेशा तो फेल ही हुई है, क्या पता इस बार ही काम कर जाए क्योंकि कैमरे के सामने कर रही हूं, बट पता नहीं, लेट्स सी। तो जी गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यूट्यूब से भी सेम इसका ही निकाला है, और देखो ये कैसे बन गई, इसको फास्ट करके देख लेते हैं। इसको खोलो, इसको ऐसे करो, इसमें पानी का ऑप्शन देता है इतना, फिर इसको गर्म पानी डालो, मिक्स करो, रखो, तो ये बन जाती है। इसे देख के मेरे में थोड़ी ताकत आई है, मैंने सोचा क्यों ना इसको बनाएं और ये ट्राई करें। आई नो कि ये वैसे बन जाएगी, वरना जो हैक मैं ट्राई करती हूँ वो नहीं होते, लेकिन ये ऑफकोर्स इसमें सिर्फ गर्म पानी डालना है सो ये बन जाएगी, लेकिन कुछ ज़्यादा ओवर ना हो जाए। सो कौन सी इसमें, नो स्पून इनसाइड ब्रो, ब्रोक, इसको नीचे पुश करो, देखो। चलो इसको बनाएंगे, इसमें गर्म पानी डालेंगे, ऐसे स्विच ऑन करके इसको ऑन, किधर गया, इसको ऑन कर लेते हैं, ये चल रहा है, गर्म पानी होगा ना, फिर मिलूंगी आप लोगों से। मैंने इसको फुल हद तक गर्म कर लिया है, अब देखो क्या रिजल्ट आता है। बस और बस इसको कवर कर देते हैं। गाइस अब हम लोग इसको 3 मिनट तक रखेंगे ताकि अच्छे से बन जाए। तो गाइस वो घड़ी आ चुकी है देखने की कि क्या हुआ होगा। ये यहाँ पे रखे थे मैंने थोड़े ज्यादा ही टाइम के लिए, इसको छोड़ दिया था। सो चलो लेट्स ओपन, 1 2 3, इसको मिक्स करेंगे। आई नो अभी मसाला नीचे ही होगा, हाँ इसका पानी तो दिख रहा है ब्रो, इतना पानी, मैंने शायद तक ज्यादा ही पानी डाल दिया, कुछ दिखने में तो ऐसी है पर हाँ पानी क्यों नहीं ऑब्जॉर्ब कर रही, इतनी पानी सूपी मैगी, ये क्या हुआ, मुझे लगता है इसको थोड़ी देर और रखना पड़ेगा या फिर मैंने ज़्यादा ही पानी डाल दिया। चलो थोड़ी देर और रख देते हैं इसको, तो हटा देते हैं। रख दिया, आप देखो क्या हुआ। तो जी गाइस मैंने इसको थोड़ी देर रख के अभी वापस देखा है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही पानी है एंड वो इसमें मसाला नहीं ले पा रहे नूडल्स, सो इसलिए मैं थोड़ा इसका पानी बाहर कर दूंगी। सो चलो हटाए, एंड उसके बाद में इसमें ये वाला मैगी मसाला ऐड करूंगी, मैजिक मसाला। चलो पहले पानी आउट कर लेते हैं, गरम गरम, लेकिन इसमें ही सारा मसाला चला गया। थोड़ा पानी हम इसमें रखेंगे ताकि अच्छे से हो जाए, अब इसको डालेंगे। थोड़ी सूपी भी रहेगी तो चलेगी, कितना डालूं, पूरा मिक्स 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 मिक्स, गाइज मैंने इसको मिक्स कर लिया है एंड अब मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को एकदम असली वाला होनेस्ट रिव्यू दूंगी। सो इसको टेस्ट करेंगे, अभी बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। मेरे भक्ति मतलब मैं इसका ये है भी अच्छी और गल भी अच्छे से गई, लेकिन ना इसका जो ये मसाले वाला पानी मैंने निकाला ना, तो इससे ना
क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा ही पानी डाल लिया था इसलिए उसका टेस्ट चला गया, तो इसको वापस डालूंगी। ऊपर ऊपर का डाल के करते हैं पता कुछ, अब टेस्ट करने दो। अब थोड़ा अच्छा, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग इसे ट्राई करो, क्योंकि इसमें ना कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे लगता है मैंने किसी की बातों में आके मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाल लिया था, बट कोई बात नहीं, अच्छी है। चलो अब ये भाई को भी टेस्ट कराते हैं। भाई टेस्ट करो। मसाला नूडल्स, यस, जो हम लेकर आए थे, देखता हूँ कैसा लगता है। तो इसको बनाते हैं या ऐसे आता है दुकान से? नहीं, ये ऐसे आता है, सिर्फ इसमें गर्म पानी डालना होता है। बिल्कुल अच्छा लगा, थैंक यू। वही तो मुझे भी नहीं लगा इतना अच्छा, मुझे तो नहीं लगा हाँ। अच्छा यार, ये जो क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा ही पानी था, तो टीवी में आते हैं वो तो यूं बोलते हैं यम्मी यम्मी, वो क्या झूठ बोलते हैं, वो बेचने के मारे करते हैं पागल, कि तुम जैसे ना बुद्ध लोग। फिर इसको लाने के बाद अपन बोलते हैं मम्मी मम्मी। अब मेरी बात सुन, तेने मेरा मुंह खराब कर दिया ना, अब जब फ्रिज में से बोतल लेकर, चाय तो पी लूंगा मैं फ्रिज में से बोतल लेकर। वो पड़ी हुई खाली, अरे खाली है वो, भरी हुई लेके आ, सारा मुंह खराब कर दिया। बड़ा शराब या निकासी कुछ कुछ।